धर्मस्थली में क्या कर रहा हूँ यही सोच रहे हो ना? किसी ने जलन की वजह से हमारे खिलाफ उन ऑफिसर्स के कान भरे हैं, जिसके अंजाम में जीवधारा में डूबकर मरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम जड़ी बूटियों से उन जख्मों को भर सकते हो जो ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं पता कि धर्मस्थली के मंदिर में हुई मौत का कोई इलाज नहीं कर सकता? तुमने धर्मस्थली में जितने भी कुकर्म किए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर दिन तुझे जीवन धारा नदी में सिर्फ लाशें ही मिलेंगी साले, और याद रहे अपने जमूरों से कह दे अगर उनकी नाव किसी को बचाती हुई नजर आई तो रोने के लिए लाशें भी नहीं मिलेंगी। अपने आप को देवी माँ के बेटे बोलने वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों का पाप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना कुछ होने के बाद भी देवी माँ को और क्या क्या झेलना पड़ेगा। चल चल काम कर। तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? 2 किलो माल चाहिए मुझे। कौन सी जगह? कहीं भी जाऊं तो माल अच्छे से बिके और ये काम मेरे नाम से चल सके, जितनी सी ख्वाहिश है। ए, 2 किलो माल बांधते। कुछ नहीं, थोड़ा माल लेने आया है। वो कौन है? कभी देखा नहीं इसे, नहीं आई है। ए, जरा अपना थोपड़ा इधर कर। खट्टम के लोगों के दिलों में जो पैर रखेगा उसके पैर को उखाड़ ही देना चाहिए। हाँ, कौन सा वाला पैर था? मैं भूल गया, जरा बताना। ये ढाला, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और ये सब खट्टम मामा के क्रोध के कारण की वजह से हुआ है। ऐसा लोगों को लगेगा, उन्हें भी यही सोचने दो।